अपने घर को शारीरिक बरकत से मुस्तफा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रोज जमीन को अल्लाह ने बचा दिया। सुभान अल्लाह, तेरा बड़ा इनाम है। हां बेटो देखिए देखिए, जब हुजूर पैदा हुए आपने कदम रखे, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो इल्लत लिया अल्लाह बचता। साहबी सुनो, जब अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया, मेरे जमीन पे कदम रखे, तो रब्बे करीम ने मेरे कदमों की बरकत से पूरी रोई जमीन को बच बना दिया। जहां पे नमाज का टाइम हो जाए खड़े हो जाओ, ये है ना, है ना, पाबंदी नहीं है, नहीं है। जबकि दीगर कराए के उम्मत को कोई सहूलत नहीं थी, मेरे मुस्तफा आए तुझे जमीन बच बना दिया। यहाँ तक फरमाया अगर तुम्हें पता है कि इधर है उधर ही कुरान करके खड़े हो जाओ, अगर नमाज में पता चल जाए नहीं नहीं का भाई इधर इधर है उधर उधर मारो, इसलिए मुस्तफा की जमीन है, तुम्हारी नमाज टूटेगी नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा करीम के अल्लाह मकाम अता फरमाया, और हुजूर के सदके से अल्लाह ने फिर आपकी हसन हसन औलाद हजरत सैयदना गौसुल आजम पीर बिन तस्लीम की रहमतुल्लाह अलैह को इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। मैंने आयत कहीं बड़ी छोटी छोटी है, तो छोटी छोटी तफसील बहुत बड़ी बड़ी है, तो किसी फसल बरकत से बोलते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा महबूब के सदके से हो जाए काम की बरकत से दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हम थोड़ी खालियां लेकर आए ना, खाली जो लेकर आए ना इंशाल्लाह सर के भर के इंशाल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, मौला अल्लाह सीधी राह चला चला क्या करें सीधी राह चला। आपको पता है ना ये कब पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसे तो कुछ नहीं बोलते, उर्दू में बोलते बोला सीधा रास्ता चला जाता है, हिदायत के रास्ते का चला जाता है। मगर कुरान कहता है जब नमाज में खड़े हो जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर कह दो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला ने सीधी राह चला चला। कभी गौर किया है आपने, मस्जिद में खड़े बात पढ़ रहे रहमत का घर है, घर है अल्लाह के हुजूर खड़े हैं, अल्लाह देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें तो हुक्म ये दिया गया है तुम जब ये पढ़ो नमाज शुरू करो करो ऐसी नमाज पढ़ो जैसे कभी खुदा को देख रहे हो। हमारे आने में कमाल नहीं है, जिन्होंने देखना है वो देख चुके चुके। मगर दोस्तों अल्लाह करीम ने फरमाया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुस्तफा ने फरमाया अगर तुम अल्लाह को देख नहीं सकते तो कम से कम ये नजरिया करो तो खुदा मुझे देख रहेगा। हम नमाज कैसे पढ़े, खुदा हमें देख रहे हैं, हम कैसे रुकू कर रहे हैं खुदा देख रहे हैं, समझ रहे बात को, रुकू में क्या पढ़ रहे हैं खुदा सुन रहा है, सैदे में जा रहे हैं ऐसे सैदा कर रहे हैं खुदा देख रहा है, सैदे पे क्या पढ़ रहे हैं खुदा देख रहा है। अगर हम किसी तरह से नमाज पढ़े तो वो नमाज हमारी काबिल काबिल कबूल, और जाओ अगर बाजार घूमे कोशिश कर, अगर हम बाजार घूमे यक्षु होकर नमाज पढ़े उसमें ये तवज्जो करें खुदा हमें देख रहा है, रुकू कर रहा हूँ तो भी देख रहा है, पढ़ रहा हूँ तो भी दिख रहा है, मगर खुदा फरमा रहा है तुम नमाज में खड़े हो तो ये दिन सिरात मुस्तकीम मौला ने सीधा रास्ता चला चला खड़े नमाज नमाज पे खड़े से बड़ा कोई रास्ता है।